दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है और दुनिया को इंटरनेट कौन दे रहा है? इंटरनेट सभी आविष्कारों में से सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट की वजह से जो इवोल्यूशन आया है वो काबिले तारीफ है। हालांकि हम जानते हैं कि हर चीज जिसे पैसा देकर खरीदा जाता है उसका कोई ना कोई मालिक जरूर होता है। ऐसा भी आपने सोचा होगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है? जैसे हमारे कंप्यूटर और फोन पर सुविधा उपलब्ध करवाने वाले दुकानदार या फिर सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिससे आप मंथली या वन ईयर टू ईयर का रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर इसका असली हकदार नहीं होता है। इंटरनेट का असली मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट किसी भी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि यह विशाल और स्वतंत्र कोऑपरेशन है। यानी इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेट पर किसी संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ एजेंसी सलाह देकर, मानक निर्धारित कर और अन्य मुद्दे पर जानकारी देकर इसको काम करने में मदद जरूर करती है। दोस्तों, ऐसा करता है इंटरनेट काम। पूरी दुनिया में लगभग 900 मिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं और इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट प्रदान करने के लिए पोस्टल सिस्टम की तरह इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी की मदद से इंटरनेट हम तक पहुंचता है। लोगों तक इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को तीन भागों में बांटा गया है, जिसे थ्री टीयर कहा जाता है। पहले स्तर पर वो कंपनियां आती है जो समुद्र के नीचे केबल डालकर सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्लोबली जोड़ती है। दूसरे स्तर पर वो लोग आते हैं जो बड़े प्रोवाइडर्स को नेशनली तौर पर जोड़ती है। और तीसरे स्तर पर वो प्रोवाइडर्स आते हैं जो बड़े प्रोवाइडर्स से जुड़कर छोटे प्रोवाइडर्स को यह सर्विस देते हैं, और यह प्रोवाइडर्स आम जनता तक इस इंटरनेट सर्विस को पहुंचाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यह माना जाता है कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। यह बिल्कुल भी स्वतंत्र है, जो कि आम जनता तक सर्विस देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और भी रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।